लगातार पूर्व विधायक दिलीप शेखाव जी ये प्रचारित करते रहते हैं कि क्षेत्र में जितने भी विकास कार्य हुए हैं वो हम कर रहे हैं। अभी वर्तमान में उन्होंने पारसूतिया बागड़ी स्टॉप डैम की कही कि उनके प्रयासों से ये स्वीकृत हुआ है और इसकी प्रोसेस की मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि 18/3/20 को भी इसके टेंडर जारी हो चुके थे। कमलनाथ सरकार गिरने के कारण टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई थी। उसके बाद हम लगातार 11 जुलाई 1921 को हमने इसका प्रश्न उठाया, 20 मार्च 1920 को उठाया, 21 सितंबर 1920 को उठाया और 29 दिसंबर 1920 को पुनः उठाया और 25 फरवरी 1921 को उठाया, 11 अगस्त 1921 और 22 दिसंबर 1921 को विधानसभा में इस बात को उठाया कि इसके टेंडर तत्काल आयोजित करके उसको स्वीकृति प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री को भी हमने पत्र दिए, उसकी काफी हम उपलब्ध है, परंतु हम लगातार इस बात के लिए प्रयासरत कि हमारे क्षेत्र में जो स्वीकृत है डैम है उसको तत्काल कार्रवाई हो। उसमें चंबल बैराज भी थे, राजगढ़ बैराज भी और बोरदिया बैराज उसकी प्रसाद की स्वीकृति भी शीघ्र होने जा रही है। मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाह रहा हूँ कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और पूर्व विधायक शेखाव जी लगातार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का माफल उड़ाते रहे थे, मजाक उड़ाते रहे हैं। इसकी की क्षेत्र की जनता ने उन्होंने पुनः नकार दिया है। परंतु जब ये विधायक थे, जब ये कहते थे कि विधायक जी मेरे कार्यकाल के कार्यों का भूमिपूजन भी मैं करूँगा, उसका हिमालिका का श्रेय भी मैं लूँगा और पूर्व विधायक, परंतु आज हम देखें उल्टा हो रहा है। वो लगातार मीडिया के माध्यम से जनता को गुमराह करने का लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। यदि वो कहते हैं कि हमने मुख्यमंत्री से मिलके ये काम कर रहे हैं, हमने ये काम करा है, तो मुख्यमंत्री से ये बोलकर ये जो व्यवस्था चल रही है वो विधानसभा में अपनी नियुक्ति करा ले और जिससे जनता का पैसा भी बचेगा और लोकतांत्रिक जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था का माखौल उड़ाती रही है, तो निश्चित रूप से यदि वो मुख्यमंत्री उनके कहने पे कर रहे हैं तो विपक्षी विधायक की आवश्यकता क्या है, उनकी वो खुद अपने लोगों नियुक्ति करते हैं और सरकार चलाए, तो निश्चित रूप से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका भारतीय जनता पार्टी हमेशा मजाक उड़ाती रही है और उसके चेहरे के रूप में हमारे पूर्व विधायक जी, हमारे रामलाल मालवीय जी ने भी पहले विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था कि पूर्व विधायकों को शासकीय मीटिंग लेने के शासकीय अधिकार देने का अधिकार है, तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कहा था कि पूर्व विधायक को कोई अधिकार नहीं दिया गया, परंतु अपनी दादागिरी के बल पर अधिकार को ट्रांसफर के डरा के धमका के अपने जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और मीडिया के माध्यम से प्रचारित करते हैं। सब मैं काम कर रहा हूँ। अभी जो हमारा शिवरात्रि का मेला लगा उसमें भी नगर पालिका द्वारा पोस्टर लगाया है, अधिकारी को डराया धमकाया गया कि मेरा फोटो लगाओ, तो अधिकारी ने बोले और भी पूर्व विधायक है, लाल सिंह जी है, वो श्रम कल्याण के वो पूर्व मंत्री है, उनका भी लगाया, तो बोले सिर्फ मेरा लगना चाहिए। तो इस प्रकार की दादागिरी अधिकारी डर के मारे वो कुछ और दूसरे नेता भारतीय जनता पार्टी के वो सीधे साथ हैं, तो एक तरह से पूरा दादागिरी का माहौल इस क्षेत्र की में अधिकारियों में आतंक का बना रखा है और जनता को मीडिया के माध्यम से प्रचार करते हैं हम, अरे भैया तुम्हारे मुख्यमंत्री जी इतने सुनते हैं तो आप इतनी बार मिले, तो कितनी बार आपने नागदा को जिला बनाने का जो कमलनाथ सरकार ने गजट नोटिस नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव पास किया हुआ है और उस पर सिर्फ गजट नोटिफिकेशन होना बाकी है, उसके लिए आपने कितनी बार मुख्यमंत्री से बात करी, कितनी बार लेटर दिए, जनता को भी उसको जवाब देना चाहिए। जो हम लगातार प्रयास करके विकास कराएं और उस पर तत्काल एक नोट प्रेस नोट डाल के आ जाता है और अपने कुछ मीडिया साथी के माध्यम से जनता को गुमराह करते रहते हैं, तो मेरा अनुरोध है, मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि इस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था का खिलवाड़ करने वाले नेताओं पर भी लगाम कसें।